नौकरी लगवा देंगे। तो हम बोले हम तैयारी कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हम नौकरी ले लेंगे। तो वो बोली कि इसमें पैसा वैसा उतना नहीं लगेगा कुछ, हम बिहार पुलिस में नौकरी लगवा देंगे, हमारा एक भाई है वो लगवाता है नौकरी। दोस्तों नमस्कार, आप मास इंडिया देख रहे हैं और मैं बीबू कुमार झा। दोस्तों फ्रॉड की दुनिया में एक से एक अजीबोगरीब घटना हो रही है। नौकरी का झांसा के नाम पे, नौकरी के नाम पे कभी लड़का किसी लड़की का शिकार हो जाता है तो कभी लड़की किसी लड़का का शिकार हो जाता है। लेकिन आपको हम घटना जो बता रहे हैं, एक लड़का है जो कि नौकरी के लिए किसी लड़की का शिकार हो गया और ऐसा शिकार हो गया कि कहीं ना कहीं इनके परिवार को तबाही मचा दिया। यहाँ तक कि थाना पुलिस सब जो है आकर के कहीं ना कहीं वो चपेट में आ गया। देखिए कुछ ऐसी ही कहानी है और इस कहानी को समझिएगा इस तरह से कि आखिर फ्रॉड क्यों हो रहा है, नौकरी के नाम पे कहाँ कितनी धांधली हो रही है और कैसे लड़की किस तरह से फंसाता है किसी लड़का को। जैसे कि बात करूँ, लड़का है 18-19 साल का, लड़की भी 30-35 साल की होगी और शादीशुदा लड़की होती है, उनके 3 बच्चे होते हैं। और जब पूरी कहानी सुनिएगा तो पैरों तले ज़मीन खसक जाएगा। हाँ देखिए, हमारे साथ एक लड़का है जो इस मतलब इस घटना का शिकार हो गया और इनके मम्मी और इनके पापा साइड में हैं। हम सीधे जानेंगे इस लड़का से कि इस शुरुआत जो नौकरी के नाम पे शुरुआत जो हुई इनकी घटना, नौकरी कहीं ना कहीं चाह रहे थे लेकिन नौकरी के नाम पे क्या घटना हो गया जो आज ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। क्या नाम हुआ? राजकिशोर भारती। राजकिशोर, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ कि वो आई घर पे, यहीं पे जान पहचान के बगल। कौन आई? राधा कुमारी। राधा कुमारी, हाँ। वो बोली कि हम नौकरी। कैसे जान पहचान, कैसे बात हुई उससे? बात हुई थी मतलब यहीं गांव के बगल की है तो यहाँ जान पहचान। नौकरी को लेकर आप उसके से पास गए थे कि वो आप? वो आए थे हमारे पास। आपके पास आए? हाँ। कैसे? कि हम नौकरी लगवा देंगे। वो हमारे घर पे आई थी, उसको पता था। पहले वो फेसबुक से मैसेज की थी। अच्छा। फेसबुक से मैसेज की, मैसेज में बात हुई। क्या मैसेज की थी? मैसेज की थी हाय, फिर मतलब वो मतलब घर जानते थे हमारा घर कहाँ है। हाँ, वो हाँ। पढ़ाई हम करते थे बिहार से, मेरा के पढ़ाई करते थे, हम तैयारी करते थे। ठीक है। तो उसको पता हो गया कि ये पढ़ाई करता है। तो घर पे आई तो वो बोली कि हम नौकरी लगवा देंगे, मम्मी पापा को भी बोली। अच्छा। तो ये लोग को भी हो गया कि चलो भाई नौकरी हो जाएगा। तो वो बोली कि इसमें पैसे लगेंगे, तो 80,000 रुपये का डिमांड की थी कि 80,000 अभी दीजिए। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था, तो घर उस टाइम बन रहा था। तो मम्मी से बोली वो, तो मम्मी उसको 50,000 रुपये दी कि बाकी अभी नहीं है। तो वो बोली बाकी हम देख लेंगे, फिर बाद में जैसा होगा हम बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नौकरी के नाम पे वो आपके पास आई, नौकरी देंगे, आप उसको पता लगाए कि नौकरी देने वाली है कुछ और है? इतना तो पता नहीं लगाए, बाद में उसके बारे में पता चला कि ये फ्रॉड है। कब पता चला आपको? उसके बाद बहुत दिन बाद पता चला। फिर कितना पैसा लिया है? 50,000 रुपये लिए है अभी। बिहार पुलिस में नौकरी लगवाने को? हाँ, बिहार पुलिस में नौकरी लगवा देंगे। हाँ हाँ, 50,000 लिए है। हाँ। तो ये मुझे बताइए कि नौकरी के नाम पे पैसा भी ले ली, उसके बाद वो क्या कह रही है? उसके बाद वो बोली कि पैसा और चाहिए। हाँ, पैसे का डिमांड की। तो हम बोले अब तो पैसा वैसा हम कहाँ से देंगे, पैसा तो मेरे पास है नहीं। 50,000 लेने के बाद? हाँ। उसके बाद भी पैसा वो मांग रहे थे। हाँ। तो हम मना कर दिए। तो वो किसी संस्था को लेकर फिर यहाँ आई और झूठ झूठ का आरोप हम पे लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? आरोप लगा रही है कि इसके हमारे साथ इसका गलत संबंध है, ये वो झूठ का सब आरोप लगा रही है वो। हाँ हाँ, वो बोलती थी हमें कि यहाँ पे आ जाओ, मेरे भैया आए हुए हैं। आपका वो वीडियो भी बनाइए कुछ? वीडियो तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा वैसा, जैसे कि मान लिया आपके ऊपर आरोप लगाई। हाँ। कि मेरे से गलत संबंध या कुछ उल्टा सीधा। हाँ। उसके पास प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं है। वीडियो जो वायरल किया उसमें प्रूफ लगाया आपका? कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है? कोई प्रूफ नहीं। जब प्रूफ नहीं है तो फिर क्यों बात को कहां तक? वो पैसे के लिए कर रही है। जब कंचन मैडम के पास गई वो? हाँ, कंचन मैडम के पास गई। कंचन मैडम आई तो उसके पास जब प्रूफ नहीं था कि आपने उसके साथ क्या किया है, नहीं किया, कैसे समझेंगे? अब पता नहीं वो कैसे उसका केस ले ली। केस ले ली? हाँ। आपका कोई वीडियो वगैरह नहीं लिया है प्रूफ? कुछ में? नहीं लिया, बनाया। आजकल क्या होता है, जो फंसाने वाली लड़की होती है वीडियो भी बना लेती है उल्टा सीधा हरकतें करके। नहीं, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं।
तो नौकरी के नाम पे सारा खेल हो गया। हाँ, नौकरी के नाम। वो क्या कह रही है कि हाँ, मेरे साथ वो रिलेशन बनाया है। रिलेशन बनाया है मेरे, उसका पति भी है, उसका 3 बच्चे हैं। हाँ, हाँ, उसका भी फोटो है हमारे। 50,000 जो आपसे लिया तो कैसे आप प्रूफ दीजिएगा 50,000 रुपए लिए? 50,000 वो तो अकाउंट से अगर देते तो प्रूफ रहता। मम्मी से वो कैश लिए। कैसे ले ली? हाँ, कैश पैसा। और भी मांग रही है? और भी मांग रही है। क्या कह रही है कि 30,000 और दो नौकरी करवा दे? नौकरी करवा देंगे उस टाइम। अब बोल रही है कि तुम हमारे साथ ये हो गंदा गंदा रिलेशन, वो आरोप लगा रही है। अब वो पैसा का डिमांड ज़्यादा कर रही है। हाँ हाँ, ये तो बड़ा स्कैम है। और मैडम भी आई, मैडम का भी वही कहना था कि पैसा दो, पैसा ले दे के इसको ख़त्म करो मामला को। हाँ, आपने उससे रिलेशन भी बनाया? कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं। नहीं बनाया? कुछ नहीं। वो जबरदस्ती बोल रही है? ज़बरदस्ती बोल रही, आरोप लगा रही है। कोई रिलेशन नहीं है। तो इतना सारा चीज़ हुआ, ठीक है। अब थाना पुलिस कैसे हो गया? वो कहाँ से, वो क्यों आया कंचन के? कंचन मैडम आई तो, कंचन मैडम आई पुलिस को लेकर आई, तो हम बाहर में ही मिले। तो बाहर में वो बोली कि जैसे जैसे हम बोलते हैं, पहले तो वो आई तो पुलिस मेरा छोटा भाई को पकड़ लिया और बोला इसे ले चलो, इसे गाड़ी में बिठाओ ले चलो। फिर बोला कि हम काउंसलिंग करेंगे, बोला गया कि काउंसलिंग करेंगे, तुमसे जो पूछा जाएगा तुम बस हाँ में जवाब देना। पुलिस भी धमकाया। हाँ, वो बोली मैडम कि तुम बस हाँ में जवाब देना जैसे जैसे पूछेंगे। सारा यहाँ काउंसलिंग हुआ। देखिए तो सारे चीजें, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो आपसे पैसा लिया, ठग लिया, नौकरी के नाम पे सारा चीज आपके आरोप लगा रहा है। प्रूफ आपका क्या है उसका, और उसके पास क्या है, इस पे सारा खेल है? उसके पास तो प्रूफ भी नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है, वैसे तो कुछ पैसे जो दिए हो तो कैसे पैसे दिए हैं। हाँ, और वहाँ जो वीडियो बनाई है मैडम आके, तो वो पूछता वीडियो यहाँ पे मैडम आके बनाई। हाँ, मैडम मैडम आके वीडियो बनाई है क्या? तो उसमें बोल दी थी पहले कि तुमसे जो पूछेंगे तुम कुछ नहीं होगा, ये वीडियो भी वायरल नहीं होगा। हाँ। तो हम बोले कि मैडम अगर वीडियो वायरल कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा कहीं, तो हम लोग का इज्जतदार फैमिली है, सब लोग जानते हैं, फैमिली में सब पता चल जाएगा तो क्या होगा फिर। हाँ, हाँ। तो बोली कोई वीडियो वायरल कुछ नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ बस काउंसलिंग होगा। हाँ। उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक है। इतना बोल के वो चली गई करके काउंसलिंग। ठीक है। यहाँ बुलवाई जो भी बुलवाना था, हम बोले। उसके बाद मैडम बोली कि 12 बजे रात में तुम कॉल करना। हाँ, फिर कॉल नहीं उठाई। उसके बाद फिर कल होके थाना से जो आए थे उनका कॉल आया, वो बोले कि लड़का कहाँ है। तो मेरी बहन या मेरे जीजे बहनोई जो है वो उठाए थे कॉल। लड़का कहाँ है? लड़का कभी भी उठ सकता है, मैडम का ऑर्डर आएगा, लड़का को कभी उठा लिए ऊपर भी उठा लिया जाएगा। हाँ, आपको उठा लिया गया? नहीं, बोला गया था, धमकी दिया गया था। अच्छा, मैडम भी मांगी है कंचन मैडम आपसे? कंचन मैडम बोली है। कितना? वीडियो में ही बोली थी। कितना? वो ऐसे बोल रही थी कि तुमको या तो 8 साल के सजा होगा। हाँ। या तो तुम इसको रखोगे। हाँ। या तो तुम पैसा ले दे के कुछ कर लो। कितना ले दे के? वो बोली थी कि तुम वहाँ आना 10 तारीख को। हाँ। वो डेट दी कि 10 तारीख को दोनों जाने वाले थे हम लोग। हाँ। लेकिन उसी बीच जो उनका जो कैमरामैन थे। हाँ। कैमरामैन का फोन आया, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। क्या, क्या? कैमरामैन बोले कि देखिए 10 तारीख को जो मैडम बुलाई है ये कुछ मैटर नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं है, जो मैडम बुलाई 10 तारीख को आप नहीं आइएगा। आप नहीं आइएगा तो हम बोले भैया वीडियो तो वायरल हो जाएगा। हम नहीं अगर आएंगे, बुलाई नहीं है तो वीडियो वायरल कर दीजिएगा। तो बोले अगर नहीं आइएगा तो वीडियो वायरल नहीं होगा, और आ जाइएगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा। उसका प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है उसका। वो बोला कि कोई मैटर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है। ठीक है। हाँ, वो तो कुछ मैडम को कंचन मैडम की तरफ से पैसा भी मांगा गया है आपके, आप लोगों को? कंचन मैडम की तरफ से वही तो बोला गया था कि 10 तारीख को आओ, हम बोलेंगे जैसे जैसे वैसे करना है। जब फोन पे कुछ नहीं बात हुआ। हाँ। अच्छा, लेकिन कुछ लोग गए थे ना आपके यहाँ से? वो तो वीडियो वायरल वो उस टाइम नहीं। मैं आप लोगों से पूछूंगा, थोड़ा इधर आइएगा। कोई ये सारा चीज है, आप लोग गए, पैसा मांगा गया कंचन मैडम की तरफ? पैसा के ही चलते वो ये वीडियो वायरल, जो एक महीना वीडियो बना के गया और परिवार वाले को बोला कि हम इस वीडियो को वायरल नहीं करेंगे, जब हम लोग पैसा ना देने का उसको अथी किए तो ये वीडियो को वायरल कर दिया। मतलब ये वीडियो वायरल कब किया? ये वीडियो हो गया 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले का वीडियो। पहले वीडियो वायरल जी, हम उसे पैसा का डिमांड किया आपसे? हाँ, तो हम पैसा हमने नहीं दिया तो वीडियो वायरल। कितना डिमांड किया? 2 लाख का डिमांड किया था। 2 लाख कम से कम डिमांड किया जी, आप लोगों ने नहीं दिया? नहीं दिया। क्या कहा? वो बोला फिर हल्ला उल्ला होने लगा। तो हम लोग का डिमांड किया तो क्या बोले उसको? हम बोले हम नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे। उसी टाइम से उसी पे डायल कर दिया। हाँ, वो 4 मिलियन लोग देख चुका है। देख चुका है। कहीं ना कहीं शादी भी लगी थी उसकी। हम लोग वहाँ पे
पूछे भी, जब हल्ला उल्ला करने लगे तो लोग भगाने लगा हम लोग को। शादी ठीक हुई थी इसकी जी, वो भी कहीं ना कहीं देख वहाँ हाँ पहुँच गया वीडियो, वहाँ तक वीडियो पहुँच गया वहाँ तक, वो देख लिया, वो बड़ी बार देखा। तो इस तरह के स्कैम यानी कि पैसा रहने का मतलब वीडियो वायरल जी। अब मुझे बताइए कि जो पैसा नौकरी के नाम पे आपसे जो पैसा हटा गया और ये कह रही है कि 3 महीना से मेरे रिलेशन बनाया, कितना महीना से रिलेशन बनाया? रिलेशन इसके साथ कुछ है ही नहीं वैसा। वो लड़की जो सीधा सीधा रिलेशन बनाया कुछ नहीं, उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं।